अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले तो मंदे। अकाल पुरख दे सिफ सलाह दे प्रोग्राम एक ओंकार विच अज धर्म विचार दा विषय है गुर की बाणी सो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए। इस विषय ते ही विचारां लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने गगनदीप सिंह जी जो कि प्रचारक ने साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज दिल्ली दे। गगनदीप सिंह जी आप जी दा एक ओंकार प्रोग्राम विच बहुत बहुत स्वागत है जी। ते सत्संग जी इस तों पहलां कि असी अज का धर्म विचार शुरू कर जी आप जी दस दिए कि गुरु की बाणी सो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए भाव कि जो गुरु की बाणी नूं पढ़ लैंदा है समझ लैंदा है इसके सिद्धांतों ते चल पैंदा है उसके दुख हट जाते हैं परमात्मा उसके दुख दूर कर देंदे ने। ते शुरू करदे आ अज का धर्म विचार। ते गगनदीप सिंह जिवें कि साडा अज दा विषय है गुर की बाणी सो रंग लाए इस विच गुरु दी बाणी तो असल भाव की है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जुन साहिब जी दा असा राग अंदर उचारण कीता होया ये पावन पवित्र शब्द जिदियां ये पावन पंक्तियां आप जी ने सांझियां कीतियां संगतां दे नाल इहदे अंदर सतगुरु गुरु अर्जुन साहिब जी कृपा करदे ने गुर की बाणी सो रंग लाए गुर कृपाल होए दुख जाए। गुरु की बाणी तो पावे है जिहड़ी साडी अकाल तख्त साहिब जी की रहत मर्यादा आ उहदे अंदर दर्ज आ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण बाणी। इस तों इलावा भाई गुरदास जी के कवित भाई गुरदास जी दियां उचारण कीतियां हुईयां वारां भाई नंद लाल जी दियां गजलां दसम ग्रंथ की प्रमाणित बाणी इसे नूं ही गुरु की बाणी का दर्जा दिता गया है जी। ते जो गुरु दे शब्द उसते की अर्थ ने इहदे च गुरु की बाणी च धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन बाणी दे असी दीदारे करदे आ जी। ते कई शब्द सतगुरु जी ने ऐसे वरते ने पावन बाणी अंदर जिन्हां शब्दां दे आम तौर ते कई थावां ते जिहड़े स्पैलिंग ने ओह इक्को जैसे आए ने जी। पर उन्हां शब्दां दे अर्थ कई ने जिद्दां उदाहरण वजों गुरु की बाणी विच एक बिरथा शब्द आउंदा आ। बिरथा शब्द साहिब जी ने हिरदे की वेदना हिरदे की पीड़ा रूप अंदर भी वरते है ते बिरथा शब्द का आखरी अर्थ बेअर्थ भी है। इदां ही जिहड़ा रंग शब्द है रंग शब्द आम जदों दुनियावी रंगां नूं बयान कीता है सतगुरु ने पावन बाणी अंदर उदों भी रंग शब्द की वरतों कीती है ते रंग शब्द का आखरी अर्थ पावन बाणी अंदर प्यार भी है। जिदा इत्थे पावन पंक्ति अंदर साहिब जी कहिंदे ने गुर की बाणी स्यों रंग लाए भाव के जिन्हें गुरु की बाणी नाल प्यार कीता आ उहदे उत्ते गुरु की कृपालता वरसी है गुरु की दया वरसी है ते गुरु की दया गुरु की कृपा का सदका उहदे फिर सारे दुखड़े दूर हो गए ने। हुण जेकर प्यार शब्द नूं आपां रब्बी बाणी दे विचों तकीए ते इह तां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बचन कहा ही है ना भी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो जिन्हें उस रब नूं प्यार कीता रब की प्राप्ति उसे नूं होई है प्यार करन वाले नूं ही रब प्राप्त हुंदा है। हुण इह जिहड़ी रब्बी बाणी है इहदे बाबत साहिब जी पावन बाणी अंदर कहिंदे ने वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर ना कोए कि इह जिहड़ी बाणी है इह कोई आम दुनियावी गीत नहीं लोग जाणे इह गीत है इह तो ब्रह्म विचार। सतगुरु जी कहन लगे ये बाणी आप निरंकार है ये बाणी आप रब है। हुण बाणी रूपी रब नूं जे प्राप्त करना है बाणी रूपी रब नूं जे हिरदे अंदर वसाउणा है ते फिर सतगुरु जी कहन लगे इस पावन बाणी दे नाल प्यार पाउणा पवेगा इस पावन बाणी नूं प्यार नाल अपने हिरदे दे अंदर वसाउणा पवेगा। फिर दूजी गल एक मैं उदाहरण दिया जिस चीज नाल साडा प्यार हुंदा है उस चीज नूं याद करन दी लोड़ भी नहीं रहिंदी वह बदों बदी सानू चेते आउंदी है ते जिस चीज नाल साडा प्यार ना होवे उहनूं भावें जिन्ना मर्जी यतन करिए वह चेते नहीं आउंदी। इतिहास विच उदाहरण दिया सतगुरु गुरु नानक साहिब जी तिना दे पावन जीवन दे विचों यह उदाहरण मिलदी है जी। एक पासे सतगुरु गुरु नानक साहिब जी जदों उन्होंने उदाहरण दिती उन्होंने सिक्ख्या दिती मस्जिद के अंदर नमाज अदा करन दे लई गए
उदों काजियां ने नवाब ने सतगुरु गुरु नानक साहब जी नूं बचन आख्या कि तुसीं साडे नाल नमाज अदा करो जी। नमाज अदा करदियां सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने उन्हां नूं सिख्या दित्ती कि भावें तुसीं शरीर करके नमाज अदा कर रहे सो पर तुहाडा जिहड़ा मन सी उह अपने दुनियावी धंदियां दे अंदर खचत सी। हुण एक पासे धार्मिक अस्थान है भावें कोई भी धार्मिक अस्थान है, धार्मिक अस्थान रब नूं चेते करन दे लई बने है, धार्मिक अस्थान ते जाके रब नूं चेते करना है, पर क्योंकि उस रब नाल प्यार नहीं यही कारण धार्मिक अस्थान ते जाके भी उन्हां नूं रब नहीं चेते आया। ते दूजे पासे सतगुरु गुरु नानक साहब जी सुल्तानपुर की धरती ते मोदीखानी विखे जदों मोदी की सेवा निभाउंदे ने हुण उत्थे दुनियावी कार कर रहे ने, तोल रहे ने, पर क्योंकि तोलदियां होया रब नाल प्यार सब तो वधेरे सी इस करके उत्थे उन्हां नूं रब चेते है। तां ही इतिहास कहिंदा है जदों 13 दा ओ लफ्ज़ आया, वह शब्द आया, तोल आया, तो उन्हां दी सुरत 13-13 करदियां उस अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जुड़ गई। सो जिथे जिस चीज़ नाल साडा प्यार होवे उन्हूं फिर चेते करन दी लोड़ नहीं रहिंदी, वह फिर बदोबदी चेते आउंदी है। तां ही सतगुरु ने कहा कि इस रब्बी बाणी नाल तू प्यार कर तां ही यह रब्बी बाणी तेरे हिरदे अंदर वसेगी, तां ही इस रब्बी बाणी नाल तू जुड़ सकेगा। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਜੋ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? रंग शब्द की आपां सांझ पा चुके हैं। रंग शब्द का आखरी अर्थ है प्यार जी, कि गुरु की बाणी नूं जिन्हें प्यार किया आ, भाव यह जिहड़ी गुरु की बाणी आ इहनूं प्यार नाल सतगुरु जी कहन लगे तू पढ़, प्यार नाल तू सुन, प्यार नाल तू अपने हिरदे अंदर वसा। हुण जदों प्यार करेगा तो फिर सतगुरु गुरु नानक साहब जी कहिंदे ने गावीए सुणीए मन रखीए पाओ, भाव कि तू गा पर यह नहीं कि तेरे गाण प्रति हिरदे अंदर प्यार ना होवे, गा भी अपने कन्ना तो सुन भी ते फिर हिरदे अंदर प्यार भी होए। रंग दा मतलब इत्थे प्यार ही दर्शाया गया, प्यार ही दर्शाया गया है जी। ते जो इन्हां पंक्तियां विच जो दुखां दी गल कीती जा रही है वह किहड़े दुखां दी गल कीती है सतगुरु ने? असल च गुरु की बाणी दी एक वडियाई है जी, गुरु की बाणी नाल जिन्ने भी अपना चित्त जोड़े है। सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी ने एक तो वचन सानू कह ही दिता है ना सुखमनी साहब पावन बाणी अंदर, सर्ब रोग का औखद नाम। हुण जिहड़ा सर्ब रोग है, सर्ब रोग बयान करदा है सारे ही रोग जी, भी इस संसार अंदर किन्ने भी रोग हो सकते ने, वह असी लै लईए शरीरक रोग, असी लै लईए मानसिक रोग, जिन्हें भी रोग ने संसार के अंदर, सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी कहिंदे ने सारे रोगों का इको ही इलाज है। वह इलाज कहड़ा है? सर्ब रोग का औखद नाम। औखद शब्द का आखिरी अर्थ हुंदा है दवा जी। सारे ही रोगों का इलाज, सारे ही रोगों की दवा केवल ते केवल रब का नाम है। ते नाम कोई बाणी तो वखरा नहीं, बाणी ही आ गुरु की बाणी, गुरु का शब्द ही यही नाम है। गुरु की बाणी नू पढ़ना, गुरु की बाणी नू हिरदे अंदर वसाउणा, यही नाम नू आराधना आ, यही बंदगी आ, यही भगती आ। हुण इह जिहड़ी तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की वडियाई आ, आम करके जिहड़े साडे राइटर ने जिन्हां ने खोज कीती आ उन्हां ने बचन लिखी है, दूजे जदों ग्रंथां नू पढ़िया उन्हां बाबत कहिंदे ने दूजे जिहड़े ग्रंथ ने दूजे ग्रंथां दे अंदर रब दीआं गल्लां आ। इंग्लिश के अंदर प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने बड़ा सोहना वचन लिखे है कि अदर जिहड़े ग्रंथ ने, दूजे जिहड़े ग्रंथ ने उन्हां अंदर टाक ऑफ गॉड है, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंदर टाक टू गॉड है जी। दूजे ग्रंथां दे अंदर रब दीआं गल्लां आ, रब दीआं सिफतां आ, पर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अंदर रब नाल गल्लां ने। जिन्हें बाणी नूं पढ़िया है उन्हें रब नाल गल्लां कीतीआं, जिन्हें जपजी साहिब पावन बाणी नूं प्यार नाल पढ़िया है वह जपजी साहिब पावन बाणी राही रब नाल गल्लां करदा आ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का वह उपदेश जिहड़ा इतिहास अंदर दर्ज है असीं पढ़दे भी हाँ, जो प्रभ को मिल बो चाहै खोज शब्द मैं ले। जिहड़ा रब नूं मिलना चाहुंदा है, जिहड़ा उस रब की प्राप्ति करना चाहुंदा है, वह इस शब्द की खोज करे, इस रब्बी बाणी नूं खोजे, रब्बी बाणी राही अपनी पड़चोल करे। हुण
सतगुरां ने पावन बाणी अंदर एक कृपा कीती है जी। जिदा असी आम वेखते ही हाँ सफर करते हाँ रोड के उत्ते फ्लाईओवर होंगे ने तो वह फ्लाईओवर साढ़े सफर अंदर बड़ी साड़ी हैल्प करते हैं बड़ी सहायता करते हैं क्योंकि आम जिहड़ा ट्रैफिक जाम है ट्रैफिक जाम तो बचण दे लई फ्लाईओवर वह बड़ा सुचज्जा तरीका है ट्रैफिक जाम तो बड़ा सोहना राह है ट्रैफिक जाम तो बचण दे लई ना सिर्फ ट्रैफिक जाम तो बल्कि वक्त भी वक्त की भी उहदे नाल बचत होंदी है। हुण सतगुरु ने कृपा की इदां ही संसार के अंदर बड़ा ट्रैफिक जाम है आ जिहड़े बचन ने तित सरवरड़ै पहिले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकज मोह पग नहीं चालै इत्थे विकारां दा बड़ा इत्थे एक ऐसा चिक्कड़ है जिहदे अंदर जे एक वारी धस जाए ते वक्त भी बर्बाद हुंदा आ ते उथे ऐस ट्रैफिक जाम अंदर फस के आ मनुखी जामा सारे दा सारा बर्बाद हो जांदा आ। इस करके आ शब्द रूपी बाणी रूपी सतगुरु ने एक सानू फ्लाईओवर दिता आ एक सानू पुल दिता आ कि इहदे उत्ते चढ़ के सीधा इस संसार रूपी सागर अंदर आ जिहड़ा विकारां दा जाम है इहदे अंदर नहीं फिर फसदा वह जीव सीधा ही भव सागर तो पार हो जाता है जिहड़ा इस शब्द रूपी इस बाणी रूपी फ्लाईओवर बाणी रूपी पुल के उत्ते चढ़ता है। फिर एक होर एग्जाम्पल दें आम करके जिहड़ा फ्लाईओवर हुंदा आ उहदे बाबत कोई कंडीशन नहीं हुंदी कि इस फ्लाईओवर के उत्ते कोई जिहड़ा मुसलमान धर्म नाल संबंध रखता है वही चढ़ेगा इस फ्लाईओवर के उत्ते वही पार हो सकता है जो कोई हिंदू होवे कोई जे कोई सिख होवे। इसे करके सतगुरु ने इथे भी कोई कंडीशन नहीं रखी साहब जी कहते जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो जेड़ा मर्जी होवे किसे जात दा किसे धर्म दा जिन्ने बाणी दे उपदेश नू अपने हिरदे अंदर वसा लिया है उहदे दुखां दा नबेड़ा होना ही होना है उहदा उधार होना ही होना है। कबीर साहब जी ने निर्णय दिता कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए कोहो कबीर संसा नहीं परम अंत परम गत पाए। कबीर जी कहन लगे भावें कोई भी कोई शब्द इन्ना विशाल है जी भी कोई शब्द अंदर हर कोई आ सकता है भावें कोई अमीर होवे भावें कोई गरीब होवे भावें कोई किसे जात धर्म दे नाल संबंधित रखना रखण वाला होवे किसे प्रकार दी कोई कंडीशन रखी ही नहीं। सतगुरु कहन लगे बस जिन्ने भी बाणी नू कमाया जिन्ने भी बाणी नू हिरदे अंदर वसाया उन्नू परम गत दी अवस्था प्राप्त हो गई। हुण जिहड़ी परम गत दी अवस्था आ पावन बाणी दे विचों तकीए तां इक है ही ऐसी अवस्था जिस अवस्था अंदर कोई दुख रहिंदा ही नहीं। आ परमगत की अवस्था नू पावन बाणी अंदर भगत रविदास जी ने बेगमपुरा शहर का नाउ आखे है जी। इसे नू हुण भगत रविदास जी कहिंदे ने बेगमपुरा शहर को नाउ दुख अंधोहो नहीं तेह ठाउ ना तस्वीस खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल। ऐसी एक अवस्था प्राप्त हुंदी है परमगत की अवस्था सब तो उच्चा पद जिन्हू प्राप्त करके रविदास जी कहन लगे कोई सहम रहिंदा ही नहीं कोई डर रहिंदा ही नहीं कोई दुखड़ा रहिंदा ही नहीं। ते फिर इसे परमगत की अवस्था नू सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी ने इस परमगत की अवस्था के उत्ते पहुंचे हुए जीव नू ब्रह्म ज्ञानी कहा। हुण जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है उहदे गुणां नू बयान कीता सतगुरु ने मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एक सबिन कोए। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञानी है जिन्हें बाणी नू पढ़ के परम गत दी बाणी नू हिरदे अंदर वसा के परम गत दी अवस्था नू प्राप्त कर ले है उहदे फिर आ सारे दुखड़े दूर हो जांदे ने उहदे हिरदे अंदर झूठ नहीं रहिंदा उहदे हिरदे अंदर सच दा वासा उहदी रसना ते भी झूठ नहीं रहिंदा उहदी रसना ते भी सच दा वासा। ते फिर सतगुरु गुरु अर्जुन साहिब जी कहन लगे उह जदों अपनियां अखां राहीं संसार नू तकदा है ते वितकरे दा जिहड़ा एक संसार नू रोग लगा होया उह भी फिर दूर हो जांदा उहनू सम दृष्टि प्राप्त हुंदी है उह फिर जिधर भी वेखदा है उहनू रब ही नजर आउंदा है जी। बिल्कुल बाणी विच इन्ना कुछ दसा गया है कि जे मनुख रब दा नाम जपेगा गुरु दी बाणी नू समझेगा ते उस ते दुख दलिदर अपने आप ही दूर हो जांगे ओह फिर परमात्मा तो किसी चीज ने मंगन दी लोड़ नहीं पैनी परमात्मा ने खुद ही उसकी चोली खुशियां नाल भर देनी है। इन्ना सब कुछ कहा गया पर फिर भी अफसोस की गल है कि मनुख यह चीज समझता नहीं क्यों। असल च दुनियावी मनुख दा जदों भी किते यह सवाल आए उहदे सामने उहदा फिर एको ही आंसर हुंदा आ एको ही जवाब हुंदा आ कि मैनू अपने दुनियावी जीवन दे अंदर झमेले ही इन्ने ने रुझेवे ही इन्ने ने कि मेरे कोल समां ही नहीं कि मैं इस गुरु की बाणी नाल जुड़ सकां जी। ते पर जदों असीं इतिहास नू पढ़ीए ना ते इतिहास साडे सामने बड़ी सोहनी प्रेरणा स्रोत है
इतिहास तो बड़ी सोहनी सानू प्रेरणा मिलती है, सिक्ख्या मिलती है। इतिहास अंदर आउंदा है भगत अकबर जी दे बाबत जी। अकबर सम्राट धन गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन दरबार अंदर गोविंदवाल साहब की धरती ते आया ते उहदे बाबत जिक्र आउंदा है कि हुण अकबर नू किन्ने झमेले होणगे। जे रुझेवियां की गल करिए जिहड़े असीं क्वेश्चन करने आ कि जिहड़ा असीं जवाब देने आ कि साडे कोल दुनियावी रुझेवे ही इन्ने ने, हुण जे रुझेवियां की गल करिए ते अकबर नालों वध तां साडे कोल रुझेवे नहीं हो सकते ना। जिहड़ा एक बुरे हिंदुस्तान का उस समय का राजा आ, हुण उहने सारा अपना राज भार का कम भी वेखना आ, सब कुछ वेखना आ, हुण उहदे कोल किन्ने रुझेवे ने, पर फिर भी इतिहास कहिंदा आ ते अकबर जदों गोविंदवाल साहब की पावन पवित्र धरती ते आया। प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने लिखिया 2 घंटे 27 मिनट उन्हें सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी की उस पावन हजूरी पावन दरबार अंदर गुजारे ने ते एकाग्र हो के अकबर ने उत्थे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी के पावन बचन सुने ने। हुण जे अकबर वर्गा सम्राट राजा वह अपने उन्ने झमेलिया के विचों गुरु की इस पावन बाणी नाल चित जोड़ सकता है, उपदेश अपना चित जोड़ सकता है, फिर उहदे मुकाबले ते साडे जिहड़े दुनियावी रुझेवे ने उहदा कोई मायने ही नहीं रखदे। जी बिल्कुल, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰਤਨ ਤਾਨਸੇਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਨਸੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਨਸੇਨ ਆਪ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਨਸੇਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੇਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਕਿਰਦ ਹੈ, ਤਾਨਸੇਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਹਰਦਾਸ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਪਰਮਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਵੇਂ, ਰਾਗ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੇਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਅੰਦਰ ਭਲਾ ਹੋ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਰਾ, ਭਾਵ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਕਿਹਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮ ਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਏ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਨ ਤਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗੜਾ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ਹਰ ਰਸ ਬੀਧਾ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਚਕੋਲੇ ਰਾਮ ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਠਹਿਰਾਈਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਅਨਤ ਨ ਕਾਹੂ ਡੋਲੇ ਰਾਮ ਮਨ ਚਿੰਦੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ੰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਮੋਲੇ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਮੋਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ਹੈ ਅਮੋਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਰਸ ਬੀਦਾ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਚਕੋਲੇ ਰਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨਾਲ ਮਨ ਬਿਧਿਆ
मन विन्या जाए, नाम रूपी रस नाल मन जुड़ जाए, उदों फिर मन नू नाम प्यारा लगदा है। उदों फिर नाम रूपी रस अंदर ये जिहड़ा मन है वह पूरी चुभी ला लैंदा है। गुरमत मन ठहराई है मेरी जिंदड़ीए अनत न काहू डोले राम। सतगुरु कहन लगे आ जिहड़ा मन हमेशा ही खिंडिया रहिंदा है, आ जिहड़ा मन जिहदी आ अवस्था बनी होई है, मन पंखी पयो उड़ उड़दै दिस जाए, जे इहनू टिका अंदर लिया होना है। गुरमत मन ठहराई है गुरु की मत राही, यह जिहड़ा मन है यह टिका अंदर आउंदा है। गुरु की मत नूं धारण कर लिया अनंत न काहू डोले राम द्वारा फिर यह कदे भी मन नहीं डोलदा। मन चिंदेड़ा फल पाया हर प्रभु गुण नानक बाणी बोले राम। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने पहले पदे दे अंतली पंक्ति राही कृपा की, जदों नाम नाल मन जोड़ लिए मन चिंदे फलों की प्राप्ति हुंदी है। धन गुरु रामदास महाराज जी ने निर्णा दिता, कहन लगे ये जिहड़ी अमृतमई पावन बाणी है ये पावन बाणी उस हरी प्रभु दे इन्हां गुणां नूं बयान करन वाली है जी। गुरमत मन अमृत बठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैण अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम। चिरी बिछुना हर प्रभ पाया गल मिलिया सहज सुभाए राम। जन नानक मन अनद पया है मेरी जिंदड़िए अनहत शब्द बजाए राम। दूजे पदे अंदर सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कृपा करते ने, गुरमत मन अमृत उठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैण अलाए राम। साहब जी कहन लगे हे मेरी जिंदे, गुरु की मत नूं धारण करदियां इस मन अंदर अमृत वरसदा है। यह मन नाम रूपी अमृत नूं प्राप्त करदा है जदों गुरु की मत नूं अपना लईए। मुख अमृत बैण अलाए राम, केवल हिरदे अंदर ही अमृत नहीं झुड़दा, ओदी रसना तो ही अमृत ही वरसदा है, ओदी रसना तो ही अमृत रूपी बोल ही निकलदे ने। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, आ जिहड़ी भगतां दी बाणी है रब्बी प्यारियां दी बाणी है ये अमृत जीवन देन वाली है। अमृत जीवन कैसा हुंदा है, साहब जी ने पावन बाणी अंदर जिक्र किया, अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभे ना व्यापै चिंता। आ अमृत जीवन देन वाली है रब्बी माणी। ते साहब जी कहन लगे मन सुनिए हर लिव लाए राम, मन करके सुन लईए ना, मन करके इस रब्बी बाणी नाल प्यार पा लईए ना, ते फिर उस हरी प्रभु दे नाल हमेशा दी लिव जुड़ जांदी है। चिरी भी छुना हर प्रभ पाया, चिरां तों आजीव जिहड़ा रब तों विछड़िया होया है, जिहदे बाबत रब्बी बाणी अंदर बोल आउंदे ने, बहुत जन्म विछड़े थे माधो चिरां तों विछड़िया होया। सतगुरु कहन लगे हर प्रभ पाया, हरी प्रभु नूं पा लैंदा है, गल मिलिया सहज सुभाए राम। हरी प्रभु दे गल नूं आजीव मिल पैंदा है, हरी प्रभु नाल संबंध जुड़ जांदा है, सहज अवस्था अंदर टिक के उस रब नाल मिलाप हो जाता है। जन नानक मन आनंद पाया है, फिर सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कहन लगे मन अंदर आनंद ही आनंद हुंदा है, अनहद शब्द वजाए राम, ते इस मन अंदर अनहद शब्द गूंजन लग पैंदे कन जी। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आण मिलावे राम। हाओ मन देवो तिस अपना मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम। गुरमुख सदा राध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदड़ा फल पावे राम। नानक पज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए बड़ पागी नाम ते आवे राम।
ਤੀਜੇ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਸੰਗੀ ਰੂਪੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ, ਕੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਰਾਮ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਸਖੀਓ ਸਹੇਲੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਹਉ ਮਨ ਦੇਵੋ ਤਿਸ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੋਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਰਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਉ ਮਨ ਦੇਵੋ ਤਿਸ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਆਰਾਦ ਹਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਰਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ, ਆ ਵਡਿਆਈ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਰਾਧ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਵੇ ਰਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਰਾਧੇਗਾ ਫਿਰ ਰਸਣਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਨਕ ਭੱਜ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੇ ਰਾਮ। ਹਉ ਹਰ ਬਾਜ ਉਡੀਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਨ ਕਮਲ ਉਦਾਸੇ ਰਾਮ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ ਰਾਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਗਾਸੇ ਰਾਮ। ਅੰਤਮ ਪਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਮਿਲ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਰਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਮਿਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਰਾਮ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਹਰ ਬਾਜ ਉਡੀਨੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜੋ ਜਲ ਬਿਨ ਕਮਲ ਉਦਾਸੇ ਰਾਮ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੀ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਜਲ ਬਿਨ ਕਮਲ ਉਦਾਸੇ ਰਾਮ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਮਿਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ ਰਾਮ। ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੇ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਗਾਸੇ ਰਾਮ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿੜਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਵਰ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਤੋ ਮੰਦੇ।